नमस्कार मैम, आपका नाम? सुमन माला। कितने समय से आप डेयरी से जुड़ी हुई हैं? हम कम से कम 18-20 साल से जुड़े हुए हैं। मैम काफ़ी 18-20 सालों से आप जुड़ी हुई हैं, काफ़ी टाइम आपने डेयरी में दिया हुआ है, काफ़ी एक्सपीरियंस होगा आपको। बताइए थोड़ा किस तरीके से महिलाओं को सेफ्टी डेयरी के अंदर दी जाती है? बहुत ज़्यादा दी जाती है सेफ्टी में। बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, कॉलेज में लिखाया जाता है, बेटियों को भी दिया जाता है, जो वो दूसरे क्या है वो समाज सुविधा उनको भी दी जाती है। गरीबों को मकान बना के दिया जाता है, जिनको दिखता नहीं है, कमाने वाला नहीं है, उनको राशन बनाया जाता है, मकान भी दिए जाते हैं। तो क्या आप आगे भी गुरुजी से जुड़े रहेंगे? जी बिल्कुल, आज ये पूरा विश्वास है। आज भी आपका इतना ये पूरा दावा है? मरते दम तक मेरा शरीर दान किया हुआ है। आपने बताया आपने शरीर दान किया हुआ है, ये किसकी प्रेरणा से किया हुआ है? हमारे गुरुजी की। आगे भी गुरुजी से जुड़ी रहेंगे? आज आपको इतना विश्वास गुरुजी के ऊपर है, इतनी आस्था है आज भी आपको, इसका क्या कारण है? कारण हम गुरुजी से प्यार करते हैं, वो हमें अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं, बड़ों का सम्मान करो, छोटे बच्चों का प्यार करो, बहन भाई को समझो, सब कुछ कहते हैं। गुरुजी के ऊपर काफी इल्जाम लगे हुए हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहोगे? बेगुनाह है वो, आ जाएंगे हम, पिताजी हमारा विश्वास है। हम तो रात को भी, अब बताना नहीं चाहिए, रात को मुझे बहुत सारे दर्शन हुए पिताजी के, ऐसे घूम रहे थे जैसे मैंने इससे ऐसे करते ऐसे करते। क्या गुरुजी को समाज में होना चाहिए? होना चाहिए जरूर। आज गुरुजी समाज में नहीं है, तो इसका क्या प्रभाव समाज पे पड़ रहा है? जो मानते नहीं है उनका ही पड़ता है, जो मानते हैं उन पर तो पड़ता ही नहीं है। हम मानते हैं, हम क्यों कहें पिताजी माने हैं। बहुत सारे इल्जाम भी लगे हुए हैं गुरुजी के ऊपर। तो फिर क्या हुआ, जो नहीं मानते उनको लगता है, हम मानते हमें नहीं लगता कुछ गुरुजी ने ऐसा किया। इतने सालों से आ रहे हैं, कैसे शिक्षा उन्होंने आपको दी हुई है? बहुत अच्छी दी हुई है, मेरे तो आंखों में पानी आ जाता जब गुरुजी को याद करते। सुबह उठते रोज ही यही कहते हूँ पिताजी आप आ जाओ, आपके बिना हमारा गुजारा नहीं होता। आप अपनी वीडियो के माध्यम से क्या संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहते हो? कैसे आप अपनी वीडियो के माध्यम से क्या संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं? यही कहते हैं आना चाहिए, सभी को विश्वास करना चाहिए। हम तो कहते हैं हमारे गुरुजी अपनी गद्दी पर आ जाए, सीट पर आ जाए, अपने आप बहुत खुश होंगे। आज भी हम बस लेकर आए हैं अपने गांव में कलरखेड़ा से। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से यही कहते हैं हमारे गुरुजी आ जाए, आज ही आ जाए, अभी आ जाए।